नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन स्वागत करता हूँ आप सबको हमारे चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ओयो रूम्स Q&A पार्ट वन। दोस्तों जो लास्ट के जो वीडियो बनाए थे ओयो रूम्स के नए रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन 2019 के, उसी पे बहुत ऐसा कमेंट आया है, तो उसी से दोस्तों मैं कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स को पुटअप किया हूँ, जो की देख सकते हैं आप लोग के सामने। देख सकते हैं मैं प्रिंट आउट करके लाया, लगभग 10 से 12 इम्पोर्टेंट कमेंट है जो की आप लोग को जानना जरूरी है। अगर आप अक्सर ओयो रूम बुक करते रहते हैं या फिर आप कभी ओयो रूम बुक करने जा रहे हैं, फिर कभी आप भविष्य में भी करेंगे, दोस्तों आपको जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है इसमें। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे, एक एक कमेंट का आंसर देंगे आप लोग सामने। अगर आपका इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे और नए मान से कोई स्टेप, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, मैं मोस्टली इस चैनल पे ब्लॉगिंग करते रहता हूं, तो एक बार प्लीज चैनल पे जाकर विजिट कीजिएगा। और आप लोग को ब्लॉग वाले वीडियो पसंद आए तो प्लीज उन सब वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो कमेंट है, ओयो को कैसे बताएं प्रॉब्लम, उनका नंबर होता है क्या? तो दोस्तों इसका कहना है, जैसे कि लास्ट के मैं वीडियो बताया हूँ कि अगर आप ओयो रूम बुक करते हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ऐसे कि आपका रूम साफ नहीं हो, बेड साफ नहीं हो, बाथरूम गंदा हो, खाना में प्रॉब्लम हो, तो इन सब प्रॉब्लम को आप होटल वाले को नहीं बोल के आप ओयो से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे ओयो का प्रॉब्लम बताएंगे, आपका ओयो प्रॉब्लम सोल्व करेगा। तो दोस्तों इसका यही कहना है, ओयो का नंबर होता है क्या? तो आपको डिस्प्ले पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है नंबर, आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ओयो का ऑफिशियल साइट पे जाएंगे वहां से भी आप हेल्प नंबर लेके आप ओयो से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ओयो का नंबर होता है। उसके बाद दूसरा जो कमेंट है, भाई सुना है ओयो में रेड पड़ी है, अगर मैं ओयो में हूँ अपने पार्टनर के साथ और रेड पड़ जाए तो क्या करें, बताएं प्लीज। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ओयो रूम्स में रेड नहीं पड़ते, पुलिस का रेड नहीं पड़ते, पुलिस नहीं जाती ओयो रूम्स में। 99.9% चांस रहता है कि ओयो रूम्स में रेड नहीं पड़ती है, और 1% जो चांस रहता है, 0.1% जो चांस रहता है, उन सब होटल में रेड पड़ती है ओयो के, जो कि पहले से बदनाम हो। मतलब लाइक दोस्तों एक एग्जांपल लेके आप लोग को बता रहा हूँ, दोस्तों आप लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे कि ओयो के जिस होटल में रेड पड़ा है, हो सकता है अभी जो रेट पड़ा दोस्तों, आज से 4 साल पहले उस होटल मतलब ओयो से रजिस्टर नहीं होगा, और अब आज से 4 साल पहले वो उसी टाइप का कुछ गलत काम करता होगा और पुलिस के नजर में होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, एक बार पुलिस के नजर में जो होटल आ जाता है फिर उसे नहीं छोड़ता है, बार बार 6 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल इस तरह से रेड करते रहता है, क्योंकि दोस्तों उनकी नजर में आ जाता है, चाहे आप ओयो से रजिस्टर क्यों ना हो जाए। तो क्योंकि दोस्तों आप 4 साल पहले तो आप गलत काम कर रहे थे, अपने होटल में करवा रहे थे, इसी कारण से दोस्तों चाहे आप ओयो से रजिस्टर हो जाए, चाहे किसी भी ऐप से रजिस्टर हो जाए, ओयो का मतलब वहां से पुलिस का रेट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लो कैटेगरी का रेंज का रूम बुक ना करें। ओयो का अगर आप रूम बुक करने जा रहे हैं तो आप लो कैटेगरी का रूम बुक ना करें। आपको 100% शुरू बता दो, अगर आप अच्छे कैटेगरी का आप रूम बुक करते हैं ओयो का, तो वहां पे दोस्तों 99.9% चांस रहता कि पुलिस नहीं जाती है। आप लोग बता दो अगर आप अच्छे कैटेगरी का, आप लो कैटेगरी का बुक करेंगे तो जैसे बताया हूँ कि जो पहले से गलत काम करता है अभी जाके ओयो से रजिस्टर कर लिया है, तो उन सब होटल में एक बार जहाँ नजर पड़ जाता है पुलिस का, वहां पे तो जाते रहते चाहे ओयो से रजिस्टर हो चाहे किसी से। तो दोस्तों आप लोग बता दूं, मैं रिसेंट में एक वीडियो बनाया हूँ, तो अगर आप अनमैरिड कपल के साथ ओयो रूम बुक करते हैं तो आप लोग को जाना जरूरी, आप लोग आई बटन पर जो कर रहा है आप इस वीडियो को देखे, मैं कुछ टिप्स बताया हूँ कि ओयो रूम बुक करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर आप अनमैरिड कपल के साथ रूम बुक करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देख ले, आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा कि 99% ओयो रूम्स में रेड नहीं पड़ती है। अगर आप मानिए खुदा ने कहा से कि अगर रेड पड़ गई और आप उसी होटल में, दोस्तों आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप 18 जैसे कि जो नया रूल एंड टर्म्स एंड कंडीशन बताया हूँ कि आप 18 साल का हो गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आप आराम से रह सकते हैं, बस पुलिस देर आती है, धमकाती है, आपको कुछ नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों मैं जो नया रूल्स आया है, आप उस वीडियो को देख ले, जो मैं 2019 का जो नया टर्म एंड कंडीशन रूल्स आया उस वीडियो को देखे, अच्छे से जाने, आपको डरना नहीं है अगर बाय चांस रेड पड़ जाती है। और दोस्तों मैं श्योर करता हूँ कि ओयो में रूम में मतलब पुलिस नहीं जाती है। तो चलिए अब तीसरे कमेंट को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो कमेंट है, भैया ये बताओ लड़की भी मैरिड है और लड़का भी मैरिड है, क्या ओयो रूम से में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लड़का लड़की मैरिड है, क्या हस्बैंड वाइफ है, अगर है तो आप किसी भी होटल में रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा बात, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि जो लड़का लड़की मैरिड है वो किसी और का वाइफ किसी और का हस्बैंड है, तो इस कंडीशन में ये होगा कि जो वाइफ है जो लड़की है, अगर उसके आधार कार्ड जो आईडी कार्ड पे अगर हस्बैंड का नाम है और आप भी मतलब लड़का अगर बुक करने जा रहे हैं
तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप तो इसके हस्बैंड नहीं है, तो आपका किसी और नाम होगा और इसका हस्बैंड किसी और नाम होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप बुक करने जा रहे हैं जो भी होटल जो भी रूम, तो सबसे पहले आपको पर्सनली उससे कॉन्टेक्ट कर लेना होगा होटल वाले से, तब जाके बुक करें। या फिर दोस्तों लड़की के जो आईडी कार्ड होगा उसमें उसके हस्बैंड के नाम के जगह उसके फादर्स के नाम होगा, तो दोस्तों आप बेझिझक होकर रूम बुक कर सकते हैं, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रिसेंट में शादी हुआ है तो दोस्तों स्वाभाविक बात है कि जो लड़की का जो आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड हो चाहे जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी हो, उसमें उसके फादर्स का नाम होगा। तो इस कंडीशन में आप आराम से बुक कर सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप किसी भी होटल में बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया आई थिंक। उसके बाद दोस्तों चलिए चौथे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेक इन का टाइम 12 का दिया है, अब 12 से पहले चेक इन कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को जाना जरूरी है। दोस्तों जैसे कि ओयो के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार अगर आप 12 से पहले करते हैं तो दोस्तों उसी दिन का मान होता है, वैल्यू उड़ता है। 12 के बाद जैसे 12 बजेगा आपका फिर से दूसरा दिन का मान हो जाएगा, आपको फिर से वहां पे बुक करना होगा। जैसा कि ओयो का टर्म एंड कंडीशन, अगर आप जैसे कि आज दिन 12 बजे के बाद आपको चेक इन करना है, बट दोस्तों आप सुबह ही कर लिए जैसे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, दोस्तों ये एक दिन पहले का मान हो जाएगा, मतलब आपको डबल चार्ज लग सकता है ओयो के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार। बट दोस्तों आप मतलब जब बुक कर रहे हैं तो बुक करने से पहले एक बार जो भी होटल बुक कर रहे हैं ओयो के थ्रू, तो आप जिस होटल को बुक कर रहे हैं वहां से आप कॉन्टेक्ट कर ले, मतलब इससे मतलब पर्सनली आप कॉन्टेक्ट कर ले, और ओयो जो पर्सनली और बात कर लेने के बाद अगर मान जाता है तब दोस्तों आप चेक इन करें, नहीं तो दोस्तों आप 12 बजे बात करें। दोस्तों अगर 12 से पहले करेंगे तो आपका मतलब पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे होटल है जो कि कुछ अपने टर्म एंड कंडीशन मतलब लागू करते हैं, मतलब ओयो के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार भी चलते हैं, बट अगर आप कन्विंस करेंगे तो अपने भी कुछ वहाँ पे मतलब आपका प्रॉब्लम अगर देखते हुए कर सकता है। बट दोस्तों अगर ओयो के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो अगर 12 से पहले आप करते हैं तो आपका 2 दिन का मान हो जाएगा, मतलब 12 जैसे बजेगा फिर से आपको बुक करना होगा, अलग से आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो आई थिंक आपका भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे है, सर आधार कार्ड इज नॉट सेम विथ माय गर्लफ्रेंड, कैन यू स्टे इन ओयो? तो दोस्तों इसका कहना है कि इसके पास आधार कार्ड है बट इसके गर्लफ्रेंड के पास नहीं है, तो इसका प्रॉब्लम है कि आप ओयो में रह सकते हैं? तो यस, आप किसी भी मतलब आईडी प्रूफ लाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, वोटर कार्ड हो, इन सब से आप रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि दोनों के पास आधार कार्ड ही होना चाहिए। तो आप किसी भी आईडी प्रूफ हो, जैसे कि पैन कार्ड छोड़कर दोस्तों आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड, इन चार मतलब आईडी प्रूफ में जो भी हो आप ले जा सकते हैं, आप वहां पे स्टे कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। उसके बाद एक है हिडन कैमरे के बारे में वीडियो बनाओ, तो चलिए इसका मैं पर्सनली वीडियो बना लूंगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद दोस्तों जो छठा कमेंट है, सर एक डाउट है, जिस होटल पर लिखा रहता है कपल्स आर वेलकम, उसका मतलब क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि कपल्स आर वेलकम मतलब 90% चांस रहता है कि अनमैरिड कपल के लिए लिखा हुआ है, और क्योंकि दोस्तों मतलब जो अनमैरिड कपल है उसके लिए क्यों वेलकम लिखेगा, वो तो ऑटोमेटिक किसी भी होटल में जाकर रह सकता है। तो यहाँ पे 99% चांस बनता है कि अनमैरिड कपल के लिए वेलकम लिखा है। बट दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जिस होटल में कपल्स आर वेलकम लिखा रहता है, मतलब बुक करने से पहले आप एक बार कॉन्टेक्ट कर ले, तभी जाकर उस होटल को बुक करें। उसके बाद सातवां कमेंट को पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर एक आईडी सेम सिटी का है और एक अदर सिटी का है, फिर कैसे बुक करें? तो दोस्तों यहाँ पे बुक करने में तो आईडी नहीं लेता, आप अपने आईडी से बुक कर दे, और जब वहाँ पे जाएंगे चेक इन करने टाइम तो वहाँ पे जो भी अदर सिटी का आईडी है आप वो मतलब शो कर दे, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ आप जा रहे हैं तो वहाँ पे शो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बुक कर सकते हैं, इजी तरीके से बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलिए आठवां कमेंट को बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छा कमेंट है, कैन वी बुक रूम ऑन 18th birthday? तो इसका कहना है दोस्तों कि क्या मैं 18वें साल के जन्मदिन पे बुक कर सकता हूँ? तो दोस्तों आपको बता दूं जैसा कि वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि मतलब आप लड़का का 21 साल होना चाहिए, लड़की का 18 साल। तो इस कंडीशन में दोस्तों इसी की नया रूल्स भी आया है कि आप 18 साल का अगर आप हो गए हैं तो आप बुक कर सकते हैं, जो कि नया रूल्स है 2020 का। तो इस कंडीशन में दोस्तों किसी की यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका जिस दिन आप रूम बुक करने जा रहे हैं उसी दिन आपका 18 साल कम्प्लीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप जिस होटल को बुक करने जा रहे हैं सबसे पहले उससे पर्सनली संपर्क कर ले कि क्या हम बुक कर सकते हैं, तभी आप करें, नहीं तो नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका सेम डे जी 18 साल बोल रहा है, एक भी दिन गैप नहीं है, तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है, इसलिए आप मतलब कॉन्टेक्ट कर ले सबसे पहले जिस रूम्स को बुक करने जा रहे हैं उसे संपर्क कर ले।
तो चलिए इसका भी प्रॉब्लम आपका भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो कमेंट है, ओयो रूम्स आर बेस्ट और नॉट फॉर अनमैरिड कपल्स। तो इसका कहना है दोस्तों कि ओयो रूम्स बेस्ट होता है अनमैरिड कपल के लिए नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अलावा और कोई ऐसा मतलब साइड ही नहीं है जो कि आपको मतलब अनमैरिड कपल के लिए हो। सबसे बेस्ट ओयो रूम्स है अनमैरिड कपल के लिए। आप बिना सोचे समझे ओयो रूम्स बुक कर सकते हैं अनमैरिड कपल के लिए। बट हाँ, आप जो रूम बुक कर रहे हैं सबसे पहले आपको चेक करना होगा क्या ये अनमैरिड कपल के लिए बुक करता है नहीं करता, तभी आप बुक करें। सबसे बेस्ट है ओयो रूम्स अनमैरिड कपल के लिए। तो दोस्तों आई होप आप लोग का प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। मैं अभी जो 7 से 8 या 9 कमेंट्स का जो आंसर दिया हुआ आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि दोस्तों मैं इसी तरह नए नए वीडियो लेकर आते रहूंगा। जितने भी Q&A पार्ट होगा मैं अभी पार्ट 1 लेकर आया हूँ, इसी तरह जितने भी कमेंट्स आएगा सभी का मैं इसी तरह के जवाब देते रहूंगा, आपका प्रॉब्लम सोल्व होते रहेगा। तो दोस्तों प्लीज नए रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज लेते हैं फिर मिलते हैं नई वीडियो में, आज लेते हैं। बाय दोस्तों, जय हिंद।